हेलो कॉमरेड, स्वागत है आप सबको एक और नए ब्लॉग पे। और आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना क्या बोलूँ। अभी हम लोग जाएंगे नहाने के लिए वो पहाड़ नवोदय स्कूल का, उधर एक बोले एक झरना है छोटा सा, तो रिजामुल बोला कि उधर नहाने के लिए जाएंगे, तो अभी मैं रिजामुल का घर जाऊंगा, रिजामुल और मैं फिर जाएंगे सीधा उधर नहाने के लिए। इतना ज्यादा गर्मी भाई क्या बोलूँ, आप लोग बताओ आपके उधर कितना गर्मी है। ये आ गया रिजामुल, अभी जाएंगे इसका टोटो से सीधा उधर नवोदया के उधर। पता नहीं उधर एक झरना है कि नहीं, मैं तो देखा नहीं कभी, अभी जाता हूँ। टोटो पे बैठ चुके हैं हम लोग, देखो देखो चेहरा देखो, इतना खराब हो गया ना, इतना ज्यादा गर्मी, इसका चेहरा देखो एकदम पूरा गीला गीला हो गया। और इधर मैं लिया एक पैंट कच्छा और एक गमछा लिया, अच्छा लिया मतलब पहन के नहाना पड़ेगा, और शरीर पोछने के लिए गमछा ले लिया। और ये है कब्रिस्तान, हम लोगों का असली घर, सबको एक ना एक दिन जाना ही है इधर, इसलिए जब तक जिंदा है अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। आज इतना गर्मी है फिर भी देखो ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहते तो दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे कमाई का, लेकिन ये लोग हलाल का कमाई खा रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। देखो चाहे मजदूर हो या जो भी हो, हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करके कमाता है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं झरना के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सामने ही है झरना और पीछे जो देख रहे हो वो है नवोदया स्कूल। अंदर बहुत बड़ा एरिया है ये, बस मतलब ये क्वार्टर है शायद टीचर लोगों का, अंदर स्कूल है और स्टूडेंट लोगों का हॉस्टल है। ये है स्विस गेट, इधर नहाता है लोग, देखो पानी एकदम, कुछ औरत लोग और ये बच्चे लोग नहा रहे थे अभी, मतलब पानी एकदम गंदा कर डाला। देखिए यही है दिल्ली की मशहूर नदी जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। हम लोग ओ सामने उधर जाएंगे नहाने के लिए। अरे इस साइड तो पानी और भी ज्यादा गंदा है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, उधर ही नहाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि पानी बहुत मतलब क्लियर होगा, लेकिन आए तो नहा के ही जाएंगे, अब क्या करें, मतलब इधर नहा के फिर घर में जाके नहाना पड़ेगा, अभी इधर ही नहाते हैं। क्या भाई मजबूरी है हम लोग का, इधर भाई कोई नदी भी नहीं है, मजबूरी में ही इधर नहाना पड़ेगा अभी, तो अभी इधर ही नहाते हैं, कपड़ा सब उतरता है अभी। इधर नहीं नहाएंगे अभी, रिजामुल बोला कि इधर नहीं नहाते है, फुल कटरी आलमगंज बाजार क्रॉस करके जाना पड़ता है, उधर एक मतलब गांव है फुल कटरी, उधर बोले एक नदी है, मतलब बहुत मतलब क्लियर पानी है ठीक ठाक, तो अभी उधर जाएंगे नहाने के लिए। मतलब आज सोचा कि नहाएंगे मतलब ऐसे मतलब झरना में नदी पे, तो उधर जाके नहाएंगे, मतलब इधर बहुत ज्यादा गंदा पानी है, तो मतलब मन नहीं कर रहा था नहाने के लिए, रिजामुल बोलता है तो आए, तो क्या करते हैं अभी उधर जाके नहाते हैं फुल कटरी में जाके, तो मैं बोला चल आज नहा के ही छोड़ेंगे। ये देखो रोड पूरा जाम हो गया, अरे भाई जल्दी करो, हमें जाना है और नहाना है, फिर घर वापस भी आना है क्योंकि इफ्तार का भी टाइम हो रहा है। ये है आलमगंज बाज़ार के अंदर, देखो कितना ज़्यादा भीड़, जिस दुकान पे भी जाओगे ना कपड़े का दुकान पे, सिर्फ लड़की और औरत भाई, उनके वजह से तो कपड़ा खरीदना भी मुश्किल हो गया, सिर्फ लड़की और औरत का ही भीड़। फाइनली आ चुके हैं हम लोग, वो पीछे है नदी, बाप रे हम लोग गए थे उधर नवोदय के उधर, फिर आए इधर फुल कटरी, मतलब खुजली तो है भाई, बुढ़ा हो गया है मतलब जवानी खत्म हो रहा है, लेकिन खुजली तो है अभी भी, चूल है, तो अभी जाके पूरा नहाते हैं भाई, इतना अभी मतलब पूरा शरीर गीला गीला हो गया एकदम, पसीना से पूरा गीला गीला हो गया, पहले नहा लेते हैं भाई, चल इधर से ही चल। अरे इधर मजा आ रहा है क्योंकि इधर का पानी ठंडा है और पूरा साफ भी है, क्लीन भी है, और मेरा देखो पूरा शाहरुख खान का बॉडी है एकदम, मजा तो आ रहा है भाई, बस मोबाइल ना गिर जाए पानी में।
मोबाइल गिरने से हो जाएगा, 12 बज जाएगा, फिर किडनी बेचना पड़ेगा, एक किडनी बेच के मोबाइल लेना पड़ेगा। मजा आ रहा है, बस अंदर गला का अंदर पानी ना घुस जाए क्योंकि रोजा फिर टूट जाएगा, है कि नहीं रेजा मोल? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बीच में इधर आना पड़ेगा रे नहाने के लिए, है कि नहीं? पहले पता नहीं था, आज पता चला, तो बीच में आना पड़ेगा नहाने के लिए। स्क्रीन पे पूरा पानी लग गया एकदम। हाँ अभी थोड़ा गर्मी उतरा बॉडी से, नहीं तो इतना टाइम इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था ना भाई। उफ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। शांति बाबू भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है, नहा रहा हूँ। इस तरह ना था कोई, एकदम शांति। शांति ना रिजामुल, वो लड़की वाली शांति नहीं, ये दूसरा शांति है, एकदम सुकून। सुकून मोबाइल गिर जाने से तो भाई एकदम मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को तो ये ब्लॉग देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मेरा भी हलवा टाइट हो जाएगा, दूसरा मोबाइल लेने में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। पटना फिनिश हो तिहाई से ना? कल क्या किया था पता है? मतलब घर पे क्या फ्रिज पे पानी रखा था तो पूरा बर्फ हो गया था, पूरा बर्फ हो गया था, तो वो लेके पूरा एकदम बकेट में डाल के पूरा पानी ठंडा हो गया था, तब नहाया था। इतना ज़्यादा गर्मी ना, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। नदी भी नहीं है इधर उतना, मतलब नदी है ही नहीं, हम लोगों का घर का पास नदी है ही नहीं। झरना था पहले घर का पास, वो भी बंद हो गया, तो इधर आके अच्छा लगा। बीच में आएंगे नहाने के लिए, रोलेक्स आ रहा है गुवाहाटी से, रोलेक्स आएगा तो रमजान का बाद आएंगे इधर नहाने के लिए। और काजीगांव है, काजीगांव उधर एक झरना है, मतलब पहाड़ पे पत्थर से पानी गिरता है, उधर भी जाएंगे। नाक से पानी घुस गया, कान बोले पूरा लाल हो गया पता नहीं क्यों, और कान का अंदर पानी घुसा, पता नहीं कैसा, बहुत खराब लग रहा है। अभी थोड़ा मोबाइल रख देता हूँ, मोबाइल रख के बहुत अच्छे से नहा लेता हूँ, नहीं तो मोबाइल के वजह से डर भी लगता है, अगर गिर जाए तो मिलेगा भी नहीं, मिलने से भी ना खराब हो जाएगा। साबुन तो मैं लगाता नहीं हूँ, देखो कैसा भूत बन गया साबुन लगा के। अभी मोबाइल लेके जाऊँ, हाथ से फिसल ना जाए बस। वो आँख में पूरा लग गया एकदम साबुन, इसीलिए नहीं लगाता। बाप रे, पूरा फ्रेश लग रहा है एकदम। हो गया है नहाना, अभी हम दोनों जाएंगे, सामने मशीन है उधर जाके भी नहाएंगे, इधर नहाना हो गया है। और ऐसे अभी मतलब ऐसे गामसा मतलब लपेट लिया, गामसा लपेट के जाऊंगा, क्योंकि अभी अगर टी शर्ट पहन लिया तो फिर टी शर्ट भी गीला हो जाएगा, फिर खोलना पड़ेगा। तो अभी सीधा उधर जाएंगे मशीन पे जाके अभी नहाएंगे फिर। ये आ चुके हम दोनों अभी मशीन के पास, ये रहा मशीन देखो पीछे,
पानी देखो एकदम बहुत ज्यादा साफ लग रहा पानी। अब इधर नहाएंगे, पूरा इधर नहा के फिर जाएंगे घर। उड़े तो गिलम ठंडा सा ना। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है एकदम भाई। पम्प से बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है भाई एकदम। उधर जितना पानी ठंडा था ना उससे ज्यादा ये ठंडा पानी है बहुत एकदम। ये ना एकदम ये ज्यादा सुकून दे रहा है एकदम शांति। तू जाके देख एकदम कितना ठंडा है पानी। बहुत ठंडा है बहुत ठंड है ना। इसमें और ज्यादा मजा आ गया भाई। ठंड है ना और चारों तरफ खेत देखो एकदम हरियाली। ऐश इतना खूबसूरत लग रहा है ना। करंट ही चला गया भाई क्या करें अभी बोलो तो। फिर भी चलो पूरा शरीर ठंडा हो गया एकदम। अभी थोड़ा टाइम देखते हैं अगर करंट आएगा तो नहाएंगे नहीं तो घर जाना पड़ेगा। क्या करें और कोई मतलब और कोई चारा भी नहीं है। पहले आना चाहिए था इधर ना उधर से। हाँ चलो कोई नहीं मजा आया आज तो पता चला। नेक्स्ट टाइम आएंगे रोलेक्स आएगा रोलेक्स को लेके आएंगे उसको इधर घोरा बना के नहलाएंगे रोलेक्स को। रोलेक्स को आने दो गुवाहाटी से। क्या करेगा अभी घर जाएगा कि वेट करेगा। घर भी जाना होगा नहीं तो इफ्तार का टाइम भी हो रहा है ना। घर जाना होगा अभी। ये देखो पैंट उतर दिया और करंट आ गया तो अभी पैंट पहन के फिर नहा लेता हूँ। स्क्रीन पे पूरा एकदम पानी से एकदम गिला गिला हो गया पूरा स्क्रीन। अभी मोबाइल रख देता हूँ मोबाइल रख के नहा लेता हूँ पहले। ये पूरा साबुन लगा के नहाएगा शायद अभी। बहुत दिखाया आप लोगों को पहले अभी नहा लेते हैं हम लोग पूरा शरीर एकदम ठंडा कर लेते हैं। फाइनली नहाना हो चुका है बहुत टाइम नहाया। इसका आँख देखो एकदम पूरा लाल हो गया दिखा अपना आँख। ये देखो लाल हो गया बहुत टाइम नहाया हम लोगों ने। अभी सीधा चलेंगे घर। इसे गामसा पूरा टांग दिया दोनों का रेडी कर टेस्ला अपना। अभी सीधा ले चल घर सीधा घर ले चल अभी। हाँ हाँ ये है टेस्ला।